नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है एंजल ब्रोकिंग में शॉर्ट सेलिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का वो मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर ओपन करें और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करें, आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट जो है लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या करें, अब पोर्टफोलियो दिख रहा होगा आपको, पोर्टफोलियो पे चले जाना है। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद यहाँ पे देखें, पोर्टफोलियो आपको दिख जाएगा, जो भी आपने स्टॉक होल्ड किया हुआ वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सारा प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा, टोटल अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस दिख जाएगा आपको, कि मतलब आपके पोर्टफोलियो पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। डे गेन एंड लॉस दिख जाएगा कि उस दिन जो है आपका पोर्टफोलियो पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये पोर्टफोलियो हो गया आपका, ये आपके स्टॉक्स हो गए, ये आपका ट्रेडिंग प्राइस हो गया और उसका वैल्यू कितना है वो दिख रहा है आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको AH2 दिख रहा होगा। AH2 मतलब क्या हुआ, ये स्टॉक जो है अभी तक आपके होल्डिंग्स में नहीं आया है। मैंने यस्टरडे बाई किया था, आज T+1 वर्किंग डे है, कल जो है T+2 वर्किंग डे है, तो कल शाम को ये मेरे स्टॉक जो है होल्डिंग्स में आएंगे, तब तक ये AS2 दिखेगा। जैसे ही ये मेरे होल्डिंग्स में चले आएंगे, ये जो AS2 है वो हट जाएगा, सिर्फ नंबर दिखेगा 2। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है BTST भी ट्रेड कर सकते हैं, मैंने बताया है लास्ट वीडियो में। लेकिन आप BTST ट्रेड करते हैं तो अच्छे स्टॉक में करें, जैसे IOC हो गया, ITC हो गया, Nifty 50 या Nifty 100 स्टॉक में करें, ऑक्शन के चांस बहुत कम है। बाकी आप छोटे मोटे स्टॉक में करते हैं तो ऑक्शन के चांस बहुत ज्यादा है उसमें। तो ये आपका हो गया, अब क्या करना है आपको, सेल करना है। मान लो ये डिलीवरी में स्टॉक है मेरा, मुझे शॉर्ट सेलिंग करना है पहले इंट्राडे में, उसके बाद जो है मैं इसको बाय करूंगा। तो यहाँ पे देख लें, आपको सेल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपका IOCL दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इंट्राडे दोस्तों सेम है, चाहे आप बाय करें सेल करें सेम प्रोसेस है, आप एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, मुझे सेल करना है पहले, तो मैंने क्या किया, सेल पे क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी पुट करना होगा, तो क्वांटिटी अपने मन से पुट करते हैं आप जो भी है। यहाँ पे एक्सचेंज देख लें दोस्तों, NSE BSE है, और यहाँ पे एक गलती नहीं करेंगे, आप NSE पे बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको NSE पे ही सेल या बाय करना है। आप NSE पे बाय करके BSE पे सेल नहीं कर सकते इंट्राडे के लिए, वो अलग अलग ऑर्डर हो जाएंगे और दोनों ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करना होगा आपको। खासकर एंजल ब्रोकिंग में जब आप शॉर्ट सेल करते हैं तो कोशिश करें आप जो भी शॉर्ट सेल करें उसको 330 से पहले खुद स्क्वायर ऑफ कर लें, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग जो है कभी कभी जो है सिस्टम उसका स्क्वायर ऑफ करना भूल जाता है, तो आपको जो है ऑक्शन हो सकता है इसमें। अगर वो भूल गया, आप भी भूल गए, तो आपका स्टॉक जो है ऑक्शन में चला जाएगा, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको भूलने की आदत है तो क्या करें, 3 PM से लेकर 3:20 PM तक आप 5, 6 या 7 अलार्म लगा लें। जब अलार्म आपका बजेगा आप समझ जाएंगे कि मुझे जो है एंजल ब्रोकिंग से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ मतलब क्लोज करना है, आपने बाय किया तो सेल करना है, सेल किया तो बाय करना है, समझ गए। तो ये मेरा NSE पे है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मल ऑर्डर ही रखता हूँ, क्वांटिटी 2 रहेगा यहाँ पे, प्राइस आपको मार्केट ही रहने दे, लिमिट मतलब जो प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं वो प्राइस आप डाल सकते हैं। मान लो आप सेल करना चाहते हैं तो सेल हमेशा आप ऊपर करना चाहेंगे, क्योंकि आप मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा उसमें। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। अगर आप बाय करते हैं तो आपको नीचे बाय करना होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो सेल हमेशा ऊपर होगा, बाय हमेशा नीचे होगा। तो मुझे सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस से मुझे सेल करना है, तो मैंने इस पर लगा दिया प्राइस मार्केट। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट टाइप जो है, प्रोडक्ट टाइप आपको क्या करना है, डिलीवरी की जगह इंट्राडे करना है। डिलीवरी में क्या होगा, डिलीवरी में अगर आपका स्टॉक है होल्डिंग्स में तब ये अलाउ करेगा, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा वो सेल करने के लिए। इंट्राडे में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 1 लाख का 80,000 रुपीज़ लॉस होता है सेम डे, तो ये जो एंजल ब्रोकिंग है ऑटोमेटिक आपका पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देगा और पूरा पैसा लॉस जो आपका होगा, जो एंजल ब्रोकिंग मार्जिन देगी उसमें वो लॉस नहीं लेगी। मार्जिन इसलिए देती है कि आप ट्रेड कर सको हाई लिवरेज में। तो आप याद रखेंगे, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 80,000 रुपीज़ लॉस होता है सेम डे, तो आपसे बिना पूछे एंजल ब्रोकिंग जो है कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकती है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। मार्जिन है वो अलग चीज़ है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं 24% इंटरेस्ट पे करके एनी नंबर ऑफ डेज, तो वो बात अलग है। आप इंट्राडे में फोकस करें, इंट्राडे पे क्लिक करें, वैलिडिटी हमेशा डे रहेगा, IOC होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, हमेशा इसको डे रखना है। यहाँ पे ओके कर दें, यहाँ पे आपको ट्रेड वैल्यू दिख जाएगा, जो भी ट्रेड वैल्यू है मार्केट के हिसाब से, और यहाँ पे आपको सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, यहाँ पे देखें -2 क्वांटिटी दिखा रहा है आपको, IOC इंट्राडे, और यहाँ पे देखें 78.20 चल रहा है अभी मार्केट रेट, और मेरा एवरेज जो प्राइस पे सेल हुआ है वो 77.85 पे हुआ है, मतलब मार्केट नीचे आ गया था उस समय मेरा जो है स्टॉक सेल हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका लॉस होगा, मैंने पहले ही बताया था, जब भी आप सेल करते हैं उसके बाद मार्केट को नीचे आना होता है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉपी पे लिख लें या पेपर पे लिख लें,
प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। आपने सेल कितने पे किया है? 77.85। तो प्रॉफिट के लिए आपको बाई कितने पे करना होगा? कम से कम 77 पे या 76 पे या 75 पे, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ऊपर बाई करते हैं, सेलिंग प्राइस से भी ऊपर बाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको दोस्तों लॉस हो सकता है। यहाँ पे देखें 40 पैसे का लॉस हो रहा है मुझे, दो क्वांटिटी है तो मुझे 80 पैसे का लॉस हो रहा है। तो ऐसे करके जो है आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 257, आपको मार्केट करना है क्लोज इसको। अगर लग रहा है कि हाँ ये प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मुझे आज मार्केट क्लोज करना है, क्योंकि ये अगर आप इसको भूल जाते हो, आपके होल्डिंग्स में स्टॉक नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या होगा कि ऑक्शन में जो है ये स्टॉक जा सकता है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो स्क्वाड ऑफ कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें आपको इंट्राडे है, आप सेम बाई भी कर सकते हैं, बाई करेंगे तो सेल करना होगा, सेल किए हैं तो बाई करना होगा सेम इंट्राडे में। तो मैं स्क्वाड ऑफ का बता रहा था आपको। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करना है तो कैसे करना होगा, यहाँ पे देखिए मैंने पहले सेल किया हुआ है, तो आपको जो है सेल करने के बाद बाई करना होगा। अगर आपने पहले सेल किया तो बाई करना होगा स्क्वायर ऑफ में, अगर आपने पहले बाई किया है तो सेल करना होगा स्क्वायर ऑफ में। प्रोसेस सेम है, ऑर्डर्स पे जाना है, पेंडिंग ऑर्डर में देख लेंगे दोस्तों, शाम तक कोई ऑर्डर आपका पेंडिंग में ना हो तो कैंसिल कर दें। पोजीशंस में जाना है, आपको यहाँ पे देखिए माइनस टू दिख रहा है, मतलब मैंने सेल किया हुआ है, अब इसको बाई करना है मुझे। कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। सेल मोर मतलब अगर आपको फिर से सेल करना है इंट्राडे में तो सेल कर सकते हैं, लेकिन टाइम होने वाला है तो आप क्या करें एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, देखें आईओसी बाई, ऑर्डर टाइप, लिमिट और मार्केट। अगर आपको लग रहा है कि ये जो है मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूँ, लेकिन वेट मत करें, आप 3:05 हो रहा है तो आप 3:15 से पहले कोशिश करें आप खुद ही स्क्वायर ऑफ कर दें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ तो यहाँ पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं, नहीं अगर आपको अर्जेंटली एग्जिट करना है तो मार्केट पे क्लिक करें, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करें और एग्जिट कर दें। तो मुझे, मैं बता रहा हूँ कि लिमिट में कैसे लगाते हैं, आपको लिमिट में मैंने ऑर्डर लगाया, यहाँ पे देखे 77.85 पे मैंने सेल किया हुआ है, तो मुझे प्रॉफिट के लिए स्टॉक नीचे बाय करना होगा, जितना ऊपर जाएगा मुझे उतना लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखें 70 पैसे का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 78.20 चल रहा है, मतलब मैंने 77.85 पे सेल किया है, जितना स्टॉक ऊपर जाएगा उतना मुझे लॉस होगा। तो प्रॉफिट के लिए जब आप पहले सेल करते हैं तो स्टॉक को नीचे आना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑर्डर 75 का, ठीक है 75 का ऑर्डर लगा दिया, एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कंफर्म एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब आपको ये ऑर्डर देखना कहाँ पे है, जाना है पेंडिंग ऑर्डर्स में। पेंडिंग ऑर्डर्स में देखें ये आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे दिख रहा है 75 का, और एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है 0, दो क्वांटिटी मुझे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अभी तक 0 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे देखें आपको सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मुझे एग्जिट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, कैंसिल या मॉडिफाई। आप कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर, लेकिन आपने पहले शॉर्ट सेल किया है तो कोशिश करें कि आज ही इसको कवर कर लें, नहीं तो इसमें चांस है, आपका रिस्क है। तो क्या करें, आप मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मॉडिफाई के ऑप्शन पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर देखें आपको क्वांटिटी दिख जाएगा, सेम है, ओके कर दें, सेम दिख जाएगा आपको क्वांटिटी। प्राइस की जगह आप क्या करें, लिमिट की जगह मार्केट पुट कर दें। प्रोडक्ट टाइप मैंने क्या बोला दोस्तों, प्रोडक्ट टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। आपने इंट्राडे में सेल किया है तो इंट्राडे में ही बाई करना है, मार्जिन डिलीवरी में नहीं, इंट्राडे क्लिक किया वैलिडिटी हमेशा डे रहेगा। मैं क्या करूंगा, बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और कंफर्म बाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। देखिए ऑर्डर प्लेस दिखा रहा है आपको, देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया आपका, और जाना है कहां पे आपको, पोजीशंस में। जैसे ही आप पोजीशंस में जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपको एवरेज बाय और एवरेज सेल दिख जाएगा, क्वांटिटी दिख जाएगा, मतलब आपका ऑर्डर जो है वो क्लोज हो चुका है। एवरेज बाय, एवरेज सेलिंग प्राइस दिख गया, क्वांटिटी आपने जितना सेल किया था उतना बाय कर लिया, तो आपका दिख गया लॉस यहाँ पे मेरा 50 पैसे का हुआ है। तो आप समझ गए इंट्राडे कैसे करते हैं या शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, दोनों प्रोसेस सेम है। अगर आपको बाय करना है तो पहले बाय कर लें फिर सेल कर दें, सेम प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दूसरा चीज़ नहीं है, आप ऐसे करके इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पोर्टफोलियो से स्टॉक चूज करने के लिए बोला था इंट्राडे के लिए, आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो से ही चूज करें। आप जाके वॉचलिस्ट में अपना स्टॉक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड स्टॉक में जाके स्टॉक ऐड करें, वहाँ पे जाके आप अपना कोई सा भी जो है आपको जो भी स्टॉक में ट्रेड करना हो इंट्राडे कर सकते हैं। अगर स्टॉक अच्छा है तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा, नहीं तो आपको लिखा हुआ आएगा दिस स्क्रिप्ट इज नॉट अलाउड इन इंट्राडे ट्रेडिंग। वो स्क्रिप्ट जो है लिक्विड स्टॉक है या उसको एंजल ब्रोकिंग जो है अलाउ नहीं कर रही इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो आप हमेशा निफ्टी 100 स्टॉक में ट्रेड करें, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बस यही था इंट्राडे ट्रेडिंग शॉर्ट सेलिंग, आप समझ गए होंगे। कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, या फिर आप हर नाइट जो है 8 PM मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा इंस्टेंटली।
ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।